लखीमपुर खीरी बफर जोन सहित दुधवा टाइगर रिजर्व एरिया में विलुप्त की कगार पर पहुंच गए गिद्धों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रकृति के सफाई कर्मी के साथ खाद्य श्रृंखला में अहम भूमिका निभाने वाले गिद्धों को जिले के तराई इलाके में आसानी से देखा जा सकता है। विगत वर्षों में विलुप्त की कगार पर खड़े गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी की खबर से पक्षी प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पक्षी प्रेमी तराई इलाके में गिद्धों के मनपसंद आशियाने सेमल के पेड़ के हो रहे तेज कटान से व्यथित है और उनका मानना है कि गिद्ध ऊंचाई पर रहना बैठना पसंद करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा सेमल की प्रजाति पर प्रतिबंध हटा लेने के चलते सेमल के पेड़ बहुतायत मात्रा में काटे जा रहे हैं, जिसके चलते उचित आशियाना नहीं मिल पाएगा और यह दुर्लभ प्रजाति शेड्यूल वन में आने वाले गिद्ध ना सिर्फ मौत के काल में चले जाएंगे बल्कि एक बार फिर यह तेजी से घटने लगेंगे। जरूरत है कि इन पेड़ों के कटान को रोक कर उचित माहौल गिद्धों के लिए बनाया जाए, जिससे उन्हें अपना आशियाना बनाने में प्रजनन करने में सहायता मिले, उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो। मामले में मुख्य वन संरक्षक संजय पाठक की माने तो गिद्ध ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। हालांकि दुधवा और बफर जोन में ऊंचे पेड़ बहुतायत मात्रा में मौजूद है, जिससे उनको अपना आशियाना बनाने में मदद मिलती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में सेमल के पेड़ों के कटान पर सरकार ने प्रतिबंध हटा रखा है। प्राइवेट रूप में किसानों द्वारा खेत के किनारे सेमल के पेड़ लगाए गए हैं, जिन्हें बिना परमिशन के किसान अपनी आवश्यकता अनुसार काट सकता है। मामले में उनके स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। गिद्धों की संख्या बढ़ना और सामान्यतः नजर आ जाना जिले के पक्षी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। कीटनाशक पर लगाम लगाने के चलते गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए सकारात्मक कदम दिखाई पड़ रहा है। देखिए, वल्चर्स जो है वो आमतौर पे काफी बड़े पक्षी हैं और बीच में कई कारण थे जिसकी वजह से उनकी संख्या में ह्रास देखने को मिल रहा था। सबसे बड़ा जो कारण था वो एक जब वो पशुओं में जो इस्तेमाल होने वाली एक दवा थी डाइक्लोफेनाक सोडियम, तो उसकी वजह से उनके जो तंत्र है अंदर का, जो इवन जो प्रजनन से रिलेटेड चीज़ें भी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। उनकी जो है जो अंडे थे उसके सेल्स भी जो है वो कमज़ोर होते थे, तो भार की वजह से वो फूट जाते थे। तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ को समझा, वो उस पर भी काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में कामयाबी मिली। दूसरा क्या था कि जो बड़े पेड़ थे वो धीरे धीरे सूखते थे, इनके पंख बड़े होते हैं तो इसलिए ऊंचे पे बैठने की इनको आदत होती है, और ख़ास करके जो सूखे पेड़ हैं, कई बार आप देखते होंगे लोग सोचते हैं कि सूखे पेड़ को क्यों रखा हुआ है, क्यों नहीं इसको मतलब इस्तेमाल कर ले रहे हैं, इसकी जो है मतलब जो इकोनॉमिकल यूज है वो नहीं हो पा रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से जो है ये घाटे का सौदा है। लेकिन जो आप जानते होंगे 14 फरवरी 2000 को जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय किया था जिसमें से कुछ भी हटाने पे प्रतिबंध लगा रखा था राष्ट्रीय उद्यानों से और वन्यजीव अभयारण्य से, तो उसकी वजह यही थी कि प्रकृति में जो बाकी प्राणी हैं उनका भी जो प्राकृतिक वास है वो सुरक्षित रहे। जरूरी नहीं कि हम यदि इस्तेमाल केवल मानव के दृष्टिकोण से देखें, बाकी पशु पक्षी जो भी अपना प्राकृतिक वास में यूज कर रहे हैं उनका प्राकृतिक वास भी सुरक्षित रहे। मैं बहुत रहता है अपने दोस्तों के सामने आता हूँ और यहाँ के वन्य जीवों को और पक्षियों को देखना मुझे बहुत पसंद है और मैं इनके संरक्षण के लिए भी बात करता हूँ। मैंने देखा कि यहाँ पे दुधुआ में और आसपास में सेमल के पेड़ों के ऊपर पक्षी जो हैं वो खास करके गिद्धों का प्रवास होता है और उसे देखने में मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे गिद्ध गायब से हो गए थे, तो इधर 1-2-3 सालों से गिद्धों में संख्या में धीरे धीरे इजाफा हुआ है। लेकिन मुझे ये इत्तला मिली है कि यूपी गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ के सेमल के पेड़ों को कटान की खुली छूट दे दी है। तो अब अगर जो है एक तरफ से जो है हम संरक्षण की बात करते हैं तो दूसरी तरफ जो है कटान की बात करते हैं, तो ये किसी भी तरीके से हमको जो है पचती नहीं है, क्योंकि अगर संरक्षण करना है तो उनका प्रवास या जो उसका आवास है वो सेमल के पेड़ हैं। अगर सेमल के पेड़ नहीं रहेंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे और उनकी तो ऐसे ही मौत हो जाएगी। इनकी गिद्धों की ऐसे ही मौत होती रहेगी और वो जो है भूखे या आवास की वजह से जो है मर जाएंगे। और जहाँ तक ये ज्ञात होना चाहिए कि एक प्राकृतिक सफाई कर्मी गिद्धों को कहा जाता है और गुबरैले कई जानवरों को कहा जाता है, लेकिन जो है इसमें सबसे अच्छा जो सफाई प्रेमी पक्षी है वो है गिद्ध। गिद्ध जो है हमारे आसपास के मरे हुए जानवर को खा करके वहाँ पे प्रकृति को शुद्ध करता है। कहना ये चाहेंगे कि ये तो सरासर अन्याय शासन और प्रशासन के द्वारा हो रहा है,
उसकी सोच में इतनी गिरावट आ गई है, मानसिकता इतनी खराब हो गई है कि वो इन गंभीर बिंदुओं पर चिंतन करके आगे देश को बढ़ाना ही नहीं चाहती, बल्कि पीछे करना चाहती। अब बताइए आप, ये सेमल के पेड़ काटे जाएंगे जो कि उनका स्थायी निवास है गिद्धों का, तो इसका क्या हश्र होगा, इसे क्या कहा जाए, ये विकास तो नहीं है। और गिद्ध जो दिख रहे हैं, इसके लिए मैं खुशी व्यक्त करता हूँ, हृदय से खुशी व्यक्त करता हूँ। लखीमपुर खीरी से फारूक हुसैन की रिपोर्ट।